हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मिला मलिक, वेलकम टू माय चैनल डेली नेचर लवर। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि फरवरी का महीना है और इस टाइम फ्लावरिंग भर भर के आएगी, तो मेरे गार्डन में इस बार फ्लावर बहुत ही कम थे, तो मैं आज नर्सरी से कुछ पौधे लेके आई हूँ। और वो सबसे ज़्यादा मैं गेंदे के और पिटूनिया के पौधे लेके आई हूँ, क्योंकि अभी ये 2-3 महीने तक बहुत अच्छे से चलेंगे, बहुत अच्छे फ्लावरिंग करेंगे। तो मैं गई हूँ अपनी समय पर बादली वाली नर्सरी में, क्योंकि वो मेरे घर के बहुत ही पास है। तो यहाँ पे मैंने पहले गुलाब देखे, बट ये सारे वेरीगेटेड थे, तो मेरे को देसी गुलाब ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनमें कीड़ा नहीं लगता। तो गुलाब देखने के बाद मैंने और सीजनल फ्लावर देखे, इनमें से मुझे पिटूनिया सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पिटूनिया लिया। और गेंदे के जो फ्लावर थे, प्लांट थे फ्लावर के, वो मैंने खेत से निकलवाए, उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ नर्सरी में ढेर सारे प्लांट थे जो कि विंटर के थे और इनका सीजन बस अब 2-3 महीने का ही रह गया, तो यहाँ पे मैंने इनको लेना ठीक नहीं समझा और मैं लेके आई हूँ पिटूनिया और गेंदा और एक लेमन का प्लांट जो कि चाइनीज़ लेमन है, बहुत ही अच्छे से फ्रूट आए हुए थे उस पर। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं यहाँ पर अपने जो प्लांट है वो किस तरीके से लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपनी कुछ चीज़ें इकट्ठी कर ली। इनमें से मैंने ले लिया एक बाल्टी पानी और इसमें मैं 19 19 19 10 लीटर की बाल्टी में 5 चम्मच डालूंगी, वो भी छोटे वाली। और इसको डालने के बाद जब हम प्लांट लगाएंगे तो हम उस पानी को अपने पौधों में देंगे, उससे हमारे पौधे बिल्कुल भी मरेंगे नहीं। यहाँ डंडे की सहायता से मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और ये घोल बना के मैंने रख लिया साइड में। अब मैं अपनी प्लांट की रिपोर्टिंग करना शुरू करूँगी। और मेरे पास जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, तो मैं अपनी मिट्टी में बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालूंगी। मैं कुछ दाने DAP के और वर्मी कंपोस्ट इसके अंदर डालूंगी, वो भी बहुत कम मात्रा में, क्योंकि सारी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है, बहुत अच्छी है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी पूरी मिट्टी में खाद डाला था। तो यहाँ आप अपने गमले से मिट्टी निकाल के और उसमें वर्मी कंपोस्ट और DAP मिला के अच्छे से एक मिट्टी तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हो कि मेरा वर्मी कंपोस्ट है और यहाँ मैंने रख दिया ये पौधा अपना, और इसमें अपनी जो मिट्टी है वर्मी कंपोस्ट मिला के, इसी में मैंने कुछ दाने DAP के डाले हुए हैं। अब मैं धीरे धीरे इसे चारों तरफ बहुत अच्छे से दबाऊंगी। मिट्टी को हमें इस तरीके से दबाना है कि जब हम पानी डालें तो बिल्कुल भी बबल ना बने। अगर हमारी पॉट में बबल बनेंगे तो हमारे पौधे के सूखने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रहे कि बहुत ही अच्छे से किसी डंडी की सहायता से उसको अच्छे से करें। और यहाँ पे मैंने देखिए पानी डाल दिया NPK मिला के, इससे जो हमारा पौधा है वो बिल्कुल भी नहीं मरेगा। 99% आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। इसी तरीके से मैंने अपने सारे पौधों की रिपोर्टिंग करके उन्हें अपने स्थान पर लगा दिया। और इस पर मैं फुल वीडियो जल्दी लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपने गार्डन में ढेर सारा वर्क किया है इस टाइम। जो भी टूटा फूटा दिवाली के दिए वगैरह थे, उनसे बहुत सारे DIY बना के अपने गार्डन में लगाए हैं, तो फुल वीडियो में जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो यहाँ पे फरवरी में मैंने कुछ इस तरीके से अपने ये पौधे लगाए हैं, क्योंकि इस बार मेरे गार्डन में बिल्कुल भी पौधे नहीं थे। और जो हमारे पास बोगनविला है वो बहुत भारी मात्रा में है और वो अब जाए इतने ढेर सारे फ्लावरिंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने अपने सारे पौधे लगा दिए। जो मैं पिटूनिया के पौधे लेके आई थी उन सब में भी मैंने थोड़ा थोड़ा NPK डाल दिया, और बचा हुआ NPK में और अपने सारे पौधों में डाल दूंगी इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए। तो फ्रेंड्स, आप ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिए, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारी बैक्टीरिया होती है जो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो यहाँ पर अपना काम अच्छे से कीजिए, लेकिन ग्लव्स पहन के कीजिए। तो आपको मेरा ये गार्डन कैसा लगता है? और कल शिवरात्रि है, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे मैंने भोलेनाथ की एक स्टोरी बनाई हुई है जो कि मैं अपने इंस्टा पे डालती रहती हूँ। तो आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूँगी। जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से मिलूँगी। आप मुझे कॉमेंट करके अपने आइडियाज़ बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।